भाई सबसे पहले ना कि आप वाइब चेक करो, वाइब चेक कराता हूँ ठीक है आपको मैं। ऋषिकेश में और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और भाई हम लोग निकल रहे हैं अभी ऋषिकेश एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम जाने वाले हैं सीक्रेट वाटरफॉल और आज जितनी भी चीजें एक्सप्लोर हो सकती है हम उतना एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। 3 बज चुके हैं, चलते हैं पहले सीक्रेट वाटरफॉल, फिर चलेंगे नीर वाटरफॉल और जितना होता है आप देख लेना बाकी। तो भाई आज दोनों भाइयों ने कर रखी ट्विनिंग। ट्विनिंग कैसे कर रखी है, दोनों मैंने ब्लैक शर्ट पहन रखी है। ये मेरा आइडिया था, ये मेरा आइडिया था कि ब्लैक शर्ट लेके मेरा आइडिया था और अपनी रेड बुलेट तुम्हारा भाई चलाएगा। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, तुम्हारा भाई चलाएगा रेड बुलेट। चलो भाई, जय बब्बा की, जय बब्बा की। चलो भाई चलो। आ गया है बुलेट पे अब भाई, लग कैसी है बता रहा हूं। सेक्सी लग रही भाई, तो भाई आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों को अगर सीक्रेट वाटरफॉल जाना है तो आप जा कह सकते हो। हमारा होटल था ये हेमकुंड गुरुद्वारे के पास, हम हेमकुंड गुरुद्वारे से जा रहे हैं सीधा तपोवन की तरफ और फिर तपोवन से हमें जाना है पहले डेकन वैली। डेकन वैली से रास्ता निकल रहा है सीक्रेट वाटरफॉल के लिए, तो मैं रास्ता दिखाता रहूँगा धीरे धीरे और आप देखते रहना कि अगर आपको सीक्रेट वाटरफॉल जाना है तो जाओगे कैसे, ठीक है भाई। तो भाई वीकेंड्स पे ये है ऋषिकेश का हाल। ऋषिकेश पे भाई वीकेंड्स पे इतनी भीड़ रहती है, जाम देख रहे हो, पूरा जाम आगे तक लगा हुआ है पूरा। और ये जाम क्यों है, क्योंकि वीकेंड्स पे लोग आते हैं राफ्टिंग करने के लिए और जो ये व्हीकल्स होती हैं भाई ये मोड़ती है बीच में से, तो जाम लग जाता है बीच में से, कहीं भी मोड़ देता है भाई ऑटो वाले, ये सारी कमर्शियल गाड़ीज हैं सारी। तो भाई यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर द बेकरी बाय द 60s कैफ़े, यहाँ पर एक मिलेगा आपको, यहाँ से लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट रास्ता जाएगा सीधा द सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ। डिकन वैली वाला गेट आएगा, यहाँ से आपको ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से राइट मुड़ना है, राइट मुड़ते ही रास्ता सीधा ऊपर जा रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कहीं खोओगे ना कुछ पूछना पड़ेगा, मजा आ रहा है ड्राइव करने में, यहाँ रास्ता एंजॉय करो आप। बस हम वाटरफॉल पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में। ये देखो यहाँ पे छोटा सा क्या है, वाटरफॉल ही है भाई, पॉन्ड काइंड ऑफ। हाँ सेक्सी। और कितना प्यारा है यहाँ पे, वैसे यहाँ कैंपिंग होती है देख रहे हो। अभी आपको सामने जो जितने भी दिख रहे हैं ना कैंप्स, तो यहाँ पर रात को कैंपिंग होती है, रात को गया और रात को यहाँ पर बॉन फायर होता है, वहाँ सामने छोटा सा स्विमिंग पूल भी है अगर आपको दिख रहा हो तो। और भाई ये वाटरफॉल ऊपर से आ रहा पानी सीधा पहाड़ों से, भाई बहुत प्यारा लग रहा है भाई। रास्ते में तो अच्छे व्यूज हैं बहुत, मुझे तो पता भी नहीं था भाई में से भी। भाई सीक्रेट वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, आपको दिखाता हूं कि है कैसा। तो हम इस तरफ से ऊपर आए हैं और बाइक हमने यहां लगा दी अपनी, इससे आगे रास्ता नहीं है बाइक ले जाने का। और भाई सीक्रेट वाटरफॉल यही है, थोड़ा सा आगे जाना है हमें, यहां
यहाँ भी थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो रखा है, फोटोग्राफ लोग खिंचवाते हैं यहाँ पर, फोटोग्राफी होती थोड़ी बहुत। ये तो बढ़िया तो है, तो भाई ये है सीक्रेट वाटरफॉल, बढ़िया तो है भाई, इसमें तो बढ़िया स्विमिंग करेंगे। भाई ये है सीक्रेट वाटरफॉल, यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है पानी, देखो ईंट लगा रखी, पत्थर लगा रखे हैं कि पानी इकट्ठा हो और लोग आराम से नहाएं, तो नहा रहे हैं लोग आराम से, हम भी नहाएंगे दोनों भाई। बढ़िया है भाई, हम भी कपड़े उतारते हैं और डुबके मारते हैं पानी में, गमछा टॉवल तो लाए नहीं हम। चढ़ना इसमें, चढ़ इसमें, चढ़ इसमें, चढ़ के चला जाएगा। हाँ इस नॉर्मल, हाँ इस बीच वाले में, बीच वाले में, बीच वाला सूखा बनी हुई है सर, आ जा रहा है थंबनेल के लिए फोटो खिंचाना है, पैर रख दे किसी ने, गिरेगा सीधा। वाटरफॉल बहुत अच्छा है लेकिन, छोटा सा तालाब जैसा। हाँ बैठ बैठ, फिसलेगा लेकिन। चल चल चल, बैठ जा बैठ जा। भाई सबसे पहले ना कि आप वाइब चेक करो, वाइब चेक कराता हूँ ठीक है आपको मैं। कपड़े उतार लिए हमने भी और चलते अंदर पानी के। गंगा डुबकी लगा रहा है ये, छोटा स्विमिंग पूल है भाई, एक तरीके से भाई सीक्रेट वाटरफॉल बढ़िया है, ऋषिकेश आओ यहां पर आना भाई, हम एंजॉय करते हैं। भाई हमारे शॉर्ट्स पूरे गीले हैं, हमें अपने कपड़े चेंज करने थे, तो कुछ टॉवल या गमछा कुछ भी नहीं है, तो भी वापस होटल जा रहे हैं गीले कपड़ों में, जूते पहन लिए बस, होटल जाके कपड़े चेंज करते हैं फिर आगे की तरफ निकलते हैं। तो भाई नहा धो के निकल चुके हैं अपन, हम वापस होटल की तरफ अपने कपड़े चेंज करते हैं और हमें देखना है सनसेट, तो सनसेट देखेंगे हम नियर वाटरफॉल के ऊपर, एक जगह है अगर हम ऑन टाइम पहुँच पाए तो। बाकी मज़ा बहुत आया लेकिन भाई, बहुत मज़ा आया आने में। सरांच कह रहा है इसको तो देने वाला था मैं एक बार पटकी नीचे। हाँ और भाई यार पानी से थोड़ा सा लगता है, इसके ऊपर रखा मैंने पैर, इसके पैर पर रख के मैं अंदर गया पानी के और मेरे पैर पर चोट लग गई इसकी वजह से, इसकी भी लग गई भाई पता नहीं क्या। हाँ एक चीज़ और है, अगर आपको यहाँ पर आगे कर दी कैंपिंग तो भाई सीक्रेट वाटरफॉल आओ, तो बीच में यहाँ पर बहुत सारे करो आराम से, बोन फायर कैंपिंग, क्योंकि स्विमिंग पूल सामने ही हमारे, तो बहुत मजे ले सकते हो आप गर्मियों में, बढ़िया लगे बाकी जगह पर। तो भाई प्लान थोड़ा चेंज हो गया, होटल नहीं जा रहे हम लोग, जा रहे हैं सीधा नीर वाटरफॉल के ऊपर, एक सनसेट पॉइंट है वहाँ पर, हम सनसेट देखना है हमें। हमने कहा भाई ऐसे ही मज़ा आ रहा है निक्के टी शर्ट में, तो ऐसे ही चलो, क्या जीन्स पहनेंगे रात को, पहनेंगे ना रात को, पहनेंगे रात को घूमेंगे ना जब, तो जीन्स पहन लेंगे, तो अभी हम निक्के टी शर्ट में घूम रहे हैं अभी हम। ये जो रास्ता जा रहा है हमारे केदारनाथ की तरफ, वहीं से ही हम आगे जा रहे हैं। तो भाई ये जो रास्ता है हमारा बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है,
इस रोड पर हम आगे चल रहे हैं और यहीं से ही, हाथ दिखा मेरा, यहीं से ही आगे तक एक लेफ्ट कट है नीर वाटरफॉल का, यहाँ पर लिखा भी है, तो वहीं से ऊपर चढ़ जाएंगे हम। तो भाई आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से ये नीर वाटरफॉल का रास्ता जा रहा है, तो यहाँ चलते हैं ऊपर। चलो भाई चलो। तो भाई हल्का सा आगे आती आपको यहाँ पे बैरिकेडिंग दिखाई देगी, तो बैरिकेडिंग पे आपको बाइक लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे एंट्री फीस है इंडियंस की 30 रुपीस पर पर्सन और जो फॉरनर्स आते हैं उनकी 50 रुपीस। तो यहाँ पहले पर्ची कटवानी पड़ती है नीर वाटरफॉल की, हमें इसके ऊपर जाना पड़ेगा फिर। यहाँ से पहले पर्ची कटवाते हैं, जैसे ऊपर आओगे बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के नीचे ही काउंटर है। तो भाई कुछ ऐसी पर्ची होती है, नाम पूछते हैं और पूछते हैं हो कहाँ से। देखो लिखा है ना दिल्ली, 60 रुपये की टिकट है दो जनों की, टिकट ले ली है पर्ची कट वाली, यहाँ से एंट्री ऊपर चलना है सीधा। अब ये चलाएगा तो भैया इसको भैया साथ में रखना, आगे चेक होगा, आगे चेक होगा। सामने नीर वाटरफॉल है, यहाँ जाम लगा रखा था सब। अरे यहाँ से ऊपर जाते हैं, ये है नीर वाटरफॉल और यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके वहाँ आराम से नहाते हैं नीर वाटरफॉल में, झरने में। तो नीचे आ रहा ऊपर जगह होगी नहाने की, तो हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं अभी, हम जा रहे हैं ऊपर सनसेट पॉइंट पे। तो बढ़ते हैं आगे, अभी आओ तो भाई नीर वाटरफॉल आ सकते हो आप। भाई निकाल दें गाड़ी से, फाइनली सनसेट पॉइंट पहुंच चुके हैं हम। ये यहाँ का सनसेट पॉइंट और आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ से ना इतना प्यारा व्यू आ रहा है, आपने देख लिया होगा पूरा ऋषिकेश दिख रहा है यहाँ से, पूरा ऋषिकेश और सामने से सनसेट होगा। थोड़ा वेट करते हैं, आप बैठते हैं थोड़ी देर, मैगी बनवाइए, दो मैगी बनवाइए पीछे से अंकल जी से, तो मैगी भी खाते हैं। वैसे भाई इसके ऊपर भी रास्ता है और गाँव टाइप एरिया, वहाँ से भी सनसेट दिखता है, पर यहाँ से भी बढ़िया दिख रहा है, तो हम यहीं रुक गए। वैसे मेन यही है जहाँ पर लोग आते हैं भाई, यहाँ से देखो पूरा ऋषिकेश दिखाई दे रहा है पूरा नीचे तक का। और ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये राफ्टिंग चल रही है यहाँ पे, राफ्टिंग करते जा रहे हैं और सनसेट होगा इस तरफ से नीचे, तब तक वेट करते हैं। अरे मैगी बन रही है, ऋषिकेश का रात का व्यू यहाँ से। सर अंश जी देखिए जरा इधर व्यू दिखाइए, व्यू देखो भाई, पूरी रात में ऋषिकेश का प्यारा लग रहा है और भाई ऋषिकेश पर चमक रहा है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर, यहाँ की वाइब्स इतनी प्यारी ना भाई, जाने का मन नहीं कर रहा, पर चलते हैं थोड़ी देर में नीचे। Thank you.
दिस इज नेक्स्ट डे और भाई हम वैसे होटल पे आए थे, हमने खाना वाना खा के सो गए भाई, क्योंकि हम दो दिन से सोए नहीं थे बिल्कुल भी। तो भाई घूमना फिरना सोए नहीं, थोड़ा सा होटल पे आते खाना खा के हम सो गए और जस्ट अभी उठा हूँ मैं, सुबह के भी 11:30 बज रहे हैं भाई। भाई हमारा कल का दिन बहुत अच्छा गया जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। आज हमारा कहीं अच्छी जगह और जाने का प्लान है, कुछ एक्सप्लोर करने का प्लान है जो हमने नहीं देखा, लोगों ने भी नहीं देखा, बहुत कम देखा है, तो आज निकलेंगे। फिलहाल गाइस इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल मेरे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।